कल एक इनोसेंट किलिंग हुई है। एक तो एक एसआई था बेचारा, पुलिस वाला था, और दूसरा जो आम शहरी था। और ये तो बहुत ही दुख की बात है कि आए दिन रोज़ हम फिर से आज कहने आए हैं कि ये किलिंग बंद कर दो। और आखिर कब तक ये किलिंग होगी? ये हमारे ही भाई मरते हैं, चाहे पुलिस वाला है, चाहे आम शहरी है, और चाहे कोई मिलिटेंट भी मरता है, वो भी हमारा ही भाई है। वो माँ के कोख से, जन्म से पैदा नहीं हुआ है मिलिटेंट, ना वो दहशतगर्द पैदा हुआ है माँ के पेट से। उनको दहशतगर्द बनाया यहाँ की जो मेन स्ट्रीम है, उन्होंने बनाया है। उनकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं। खासकर यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो आजकल रोना रो रहे हैं आरएसएस के ऊपर, और साथ में हमारी महबूबा मुफ्ती मैडम जी है, जिनसे अब ये हकूक छीने गए हैं कि अब वो यहाँ पे जो अपना राज चलाते थे, उनकी वजह से हमारी जो ये हमारे छोटे भाई मर रहे हैं, ये किलिंग उनकी वजह से हो रही है। चाहिए ये जो मेन स्ट्रीम है, इनकी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। इन पे ऐसे ताले लगने चाहिए जिनकी चाबी कभी मिले ही ना इनको, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पे हमारे जो भाई हैं वो मिलिटेंट बन गए हैं। चाहे वो उन्होंने तलवार उठाई, चाहे बंदूक उठाया, और जहाँ जितनी भी किलिंग होती है इनकी वजह से होती है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, 89 से ये शुरू हुआ है, जब इन्होंने रिगिंग ऑफ वोट्स की थी। आई है कि जितने भी यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए कितने ही यहाँ पे रिपोर्टर भी बन गए हैं। ये जब सब पढ़े लिखे हो गए, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, तो ये मजबूर हो गए कोई भी क्राइम करने के लिए। चाहे वो ड्रग मैन बन गया, चाहे वो गन उठाने वाला बन गया, चाहे वो कुछ भी बन गया हो, लेकिन वजह यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है।